हो जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक। तो यार आज आपके लिए एक कड़क यूआई लेकर आया हूं। आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली। काफी आसान तरीके से आप इस यूआई को अपने डिवाइस में ला सकते हैं। काफी सारे शॉर्टकट्स एंड रीवैम्प्ड यूआई आपको देखने को मिलता है। तो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यार लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार की मिलेगी। यहाँ पर स्वाइप डाउन करने से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक पैनल नीचे मिलेगा, जिस पे यहाँ पर आप टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर कलर कौन सा करना है तो आप कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई म्यूजिक चल रहा है तो वो आप चला सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैलेंडर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वेदर की मिल जाती है, और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको डेटा यूसेज का भी ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिन्हें आप टैप करके कहीं पर भी जा सकते हैं। यहां पर अगर आप ऑन करते हैं तो फ्लैश लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, और अगर आपने यहां पर कैलकुलेटर में जाना है तो कैलकुलेटर पे दबाएंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो यह बहुत ही यूजफुल है मेरे हिसाब से। तो काफी यूनिक सेटअप मेरे को लगता है लॉक स्क्रीन का। होम स्क्रीन में गाइस आपको कुछ इस प्रकार के आइकॉन देखने को मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है या कोई ज्यादा लोचा नहीं है। और यहां पर आपको इस प्रकार के विजेट देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे क्लॉक का विजेट एंड यहां पर वेदर का विजेट, जो थोड़ा सा मेरे को यूनिक लगा। तो स्टेटस बार आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। यहाँ पर बैटरी परसेंट जो है इनसाइड बैटरी आइकॉन है, और यहाँ पर जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही लगते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पर जो आपका कंट्रोल सेंटर है गाइज, वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो देखने में यार ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सेटिंग्स की, तो यहाँ पर टैप करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको सेटिंग्स कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, जो ठीक ठाक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो बैक जेस्टर्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, और ये जो सारे आइकॉन हैं ये भी देखने में ठीक ठाक लगते हैं। और यहाँ पर बैक जेस्टर्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, ब्लू तो देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं। हम यहाँ पर बात करें कि आप अपने डिवाइस में ये कैसे ला सकते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट थीम जो है अप्लाई किया हुआ है, एंड डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है हमने क्लॉक लगाई हुई है। थीम स्टोर में जाना है, वहाँ पर जाकर आपने दो थीम जो है वो डाउनलोड करने हैं। पहला होगा यहाँ पर प्रो पिक, ये कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए PROPIC। तो ये जो है वो थीम है, फ्री है, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। और दूसरा है यहाँ पर रीवैम्प्ड यूआई, तो ये भी आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ये भी फ्री थीम है। पहले जो है इसे फुली अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, होम्स यहाँ पर अकाउंट में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, जो स्टेटस बार है आपने यहाँ पर प्रो पिक की जो है वो अप्लाई कर देनी है कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे ये जो है अप्लाई हो जाएगी, और ज़्यादा कुछ आपने करना नहीं है। अगर आपको वॉलपेपर जो है वो चेंज करना है लॉक स्क्रीन का, तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन रीवैम्प्ड यूआई की पिक होगी, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जो है कस्टम वॉलपेपर ऑन कर दीजिए। और यहाँ पर वॉलपेपर सेक्शन में जाएंगे, जो भी आपके वॉलपेपर हैं गाइज आप उन्हें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी हैं आपके। तो अगर आपको ये वाले जो है वॉलपेपर चाहिए हाइपर यूआई के, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्रकार से आप ये ला सकते हैं, जो देखने में यार मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। तो अगर आपको ये कुछ पसंद नहीं है गाइज, सिंपली आप जो है वो अपना नॉर्मल थीम लगा लीजिए ऑफिशियल, तो आप बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।